और देखिए भारत 24 का मूल मंत्र है खबर ही जीवन, और इसी टैगलाइन के साथ में हम पहुंच चुके हैं स्टूडियो देश भर की हर हलचल आप तक पहुंचाने के लिए। भारत 24 का मानना है स्ट्रीट वैक्सीनेशन, तो हम आपको बताएंगे देश के तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, और खबर खेल और मनोरंजन जगत की भी होंगी, साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरें भी आपको बताएंगे, और योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बनाएं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का पूजा के साथ। और देखिए आज की बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी के 2 राज्यों के दौरे। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। तेलंगाना के संगारेड्डी में परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। वहीं ओडिशा के जाजपुर में भी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास आज पीएम मोदी करेंगे। साथ ही साथ यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज 2 राज्यों का दौरा है, और देखिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा बिहार पहुंचे, इससे पहले तमिलनाडु पहुंचे, अब ओडिशा और तेलंगाना में पहुंच रहे हैं। और देखिए ये वो खासतौर पर राज्य हैं जहां पर बीजेपी अपनी सीट्स को बढ़ाने में पूरा फोकस कर रही है, और यहां की सीट्स भी महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे में जाजपुर में जहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, तो वहीं बात अगर की जाए तेलंगाना की, ओडिशा की, दोनों ही जगहों पर कई जो परियोजनाएं हैं वो जनता को सुपुर्द करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। तेलंगाना और ओडिशा पीएम मोदी जाएंगे, तो पीएम मोदी का तेलंगाना और ओडिशा दौरा, संगारेड्डी में कई परियोजनाओं का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी दौरा है। देखिए चुनाव बिल्कुल सर पर है, आपसे कुछ ही दिन बाद, ये मानकर चले कि लगभग 13 तारीख को माना जा रहा है कि 13 तारीख को तारीख पता लग जाएगी 2024 के चुनाव को लेकर, कितने चरणों में चुनाव होगा वो सब तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार दौरे चल रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार दौरे की बात, तो दूसरी तरफ अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। औरंगाबाद पहुंचे अमित शाह, कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीट शेयरिंग को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। बीजेपी और शिवसेना में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह का मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सुबह 11 बजे। शिवानी चौक अकोला पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे शिवानी चौक पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की बैठक सुबह 11:30 बजे होटल ग्रैंड जलसा और अकोला में ये आयोजन किया जाएगा। 2:30 बजे युवा सम्मेलन होगा सागर पार्क जलगांव में। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का माल्यार्पण होगा शाम को 5:45 पर। इसके अलावा जनसभा होगी शाम को 6 बजे मंडल ग्राउंड संभाजीनगर औरंगाबाद में। तो 6 बजे जनसभा को संबोधित यहां पर अमित शाह करेंगे। मिनट टू मिनट आज पूरे दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो आपको बता रहे हैं। 11:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2:30 बजे युवा सम्मेलन होगा, इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 5:45 पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगे। बढ़ते खबरों में आगे, और आज हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री। साथ ही साथ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को भी आरएलडी की भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, और बहुप्रतीक्षित विस्तार आज राजभवन में संभव है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में सुभा सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और सरकार में जगह उन्हें मिल सकती। तो हाल ही में आरएलडी का हिस्सा बने रालोद, एनडीए का हिस्सा बने रालोद का 1 या 2 मंत्री अब मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, ये भी जानकारी है। तो योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार आज राजभवन में हो सकता है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल का ये पहला विस्तार, और देखिए कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे तक ये विस्तार हो सकता है, और इस बीच मंत्रिमंडल में आरएलडी को भी जगह मिल सकती है। तो बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आज पेश होगा पंजाब सरकार का बजट। विधानसभा में बजट पेश करेंगे सीएम भगवंत मान। 6 मार्च को बजट पर बहस भी होने जा रही है। तो भगवंत मान के द्वारा पेश किया जाएगा पंजाब सरकार का बजट, और इस बीच कई सारे महत्वपूर्ण वादे इस बजट में हो सकते हैं कहा जा रहा है। 6 मार्च को बजट पेश, और आज पेश होगा पंजाब सरकार का बजट। मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा विधानसभा में ये बजट पेश किया जाएगा। 6 मार्च को बहस होगी बजट के ऊपर। तो देखिए आज पंजाब का बजट आने वाला है, और पंजाब सरकार के बजट में जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए 1,000 रुपये राशि हर महीने तय की गई है, वैसे ही उम्मीद की जा रही है कि कुछ खास पंजाब में भी हो सकता है। और आज पंजाब सरकार का बजट पेश होगा,
आज पंजाब के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसको लेकर तस्वीर साफ होगी। पंजाब की सरकार ने पंजाब के भविष्य को संवारने के लिए, जन जन तक राहत पहुंचाने के लिए क्या इंतजाम किए, वो तस्वीर साफ होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात होगी नौसेना के कमांडर्स का। आज से 3 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है, सम्मेलन रहने वाला है। इस बार हाइब्रिड होगा नौसेना कमांडर्स का सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर होगा सम्मेलन। दोनों ही विमान वाहक पोत करेंगे क्षमता का प्रदर्शन। ट्विन करियर की ऑपरेशंस की क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं। नौसेना के कमांडर्स का आज से 3 दिवसीय सम्मेलन होगा। दोनों विमान वाहक पोत यहाँ पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। नौसेना के कमांडर्स का आज से 3 दिवसीय सम्मेलन होगा। हाइब्रिड होगा नौसेना कमांडर्स का इस सम्मेलन, और इस सम्मेलन में राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे इस सम्मेलन का। नौसेना के कमांडर्स का आज से 3 दिवसीय सम्मेलन रहने वाला। INS विक्रांत होगा, दोनों विमान वाहक पोत क्षमता का प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नौसेना के तीनों कमांडर्स जो हैं वो 3 दिवसीय सम्मेलन में शामिल होंगे। और इसी बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर आज उज्जैन पहुंचने वाली है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। महाकाल मंदिर में दर्शन करेंगे राहुल गांधी, युवाधिकार रैली में शामिल भी होंगे राहुल गांधी। तो ये बड़ी जानकारी है। दरअसल मध्य प्रदेश में ये 3रा दिन चल रहा है शिवपुरी में। इसके पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 3 बड़े मुद्दे भी बताए, देश में 3 बड़े मुद्दे, ये राहुल गांधी का कहना था। शिवपुरी में जब राहुल गांधी पहुंचे उस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोला और तमाम बड़ी बातें कहते हुए वो यहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए देश में जानबूझकर जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही है। मैं हर बार कहता हूं जातिगत जनगणनाएं कराएं, जिससे पिछड़ा वर्ग, SC ST ऐसे तमाम आदिवासी लोगों को साफ तौर पर वो जो निकलकर उनकी संख्या सामने आ सके। और अब आज उज्जैन पहुंचने वाली है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सबसे पहले उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन करने का कार्यक्रम, और उसके बाद रोड शो भी राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। जब इसके पहले जब शिवपुरी में शामिल हुए थे तो इस दौरान जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो इसमें मौजूद रहे थे। तमाम बड़े चेहरे देखने को मिले थे। और अब आज ये दौरा उज्जैन का है, उज्जैन पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। तो उज्जैन में रोड शो भी आज राहुल गांधी के द्वारा किया जाएगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अखबारों में मौजूद खबरों की, जिसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे से जुड़ी खबर। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आदिलाबाद में 56,000 करोड़ के विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उनके द्वारा कहा गया कि 10 सालों में देश में काम करने का तरीका बदला। पीएम की हुंकार रही जब वो तेलंगाना में मौजूद रहे कि विकास का नया अध्याय उनके द्वारा लिखा जाएगा। और इसी बीच देखिए अखबारों में हेडलाइन भी दी गई है। दैनिक जागरण में प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित यह खबर, मेरा भारत मेरा परिवार, और इसके ऊपर एक नई वॉर भी पूजा यहाँ पर छिड़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लालू प्रसाद यादव के बयान के ऊपर एक नया रुख दिया और अब एक नया मोटिव यहाँ पर पार्टी को मिल गया है। देखिए बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि कैसे विपक्ष के वार पर पलटवार करना है। और जिस तरीके से देखिए मोदी के परिवार को पूछा लालू यादव ने, लालू यादव ने हमला बोला और उसी को ही देखिए कैसे ग्रैब किया बखूबी। आप किसी भी बीजेपी नेता का अकाउंट देखिए उठाकर, वहाँ पर आपको ब्रैकेट में नजर आएगा मोदी का परिवार। मतलब आप किसी भी हमले की बात कीजिए, विपक्ष के आज तक ऐसे जितने भी हमले रहे 2019 का अगर जिक्र करें, मैं भी चौकीदार जो मुहिम चलाई गई, हाँ एग्जैक्टली, तो मैं भी चौकीदार, आपको याद होगा कि चौकीदार चोर है करके कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे और उसमें वो भी उल्टा पड़ा। तो ऐसे कई दाव अभी तक विपक्ष के उल्टे पड़े हैं क्योंकि उसको बखूबी बुना लिया बीजेपी ने। तो इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना दौरा है, आदिलाबाद में विकास परियोजनाओं की सौगात, यहाँ पर 56,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण यहाँ पर। और जाहिर तौर पर देखिए अलग अलग राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और इस दौरान में लगातार वो हमले भी बोल रहे हैं। तेलंगाना में जब पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने विपक्ष पर यहाँ हमला भी बोला और कहा कि कुछ लोगों को आदिवासी कल्याण रास नहीं, विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, झूठ और लूट इनका मुख्य चरित्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से हमला बोला विपक्षी पार्टियों पर, जरा सुनिए। 2014 के बाद बीजेपी की केंद्र में सरकार ने तेलंगाना के विकास को, आदिवासी समाज के सम्मान को इतना महत्व दिया। आप मुझे बताइए
क्या बीजेपी सरकार आने से पहले कोई कल्पना कर सकता था कि एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनेगी। और वहीं देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे विरोधियों पर बड़ा प्रहार बोला। परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग चरित्र पर, ये उनकी तरह कहा गया। ये कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। परिवारवाद पर यहाँ पर प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आ, जरा सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। तेलंगाना में जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये। बीआरएस ने अपनी सरकार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे घोटाले किए, कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय फाइलों को दबाकर बैठ गई। तुम भी भले हम भी भले, तुमने खाया मैं खाऊंगा, यही करते हैं। तेलंगाना के लोग ये जान चुके हैं कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है, दो पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ दूसरा लूट। अब की बार 400 पार, अब की बार नालगो बंद लो ताली। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात तेलंगाना के आदिलाबाद की। प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार, कहा आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत बना रहे, हमारा अभियान आदिवासी कल्याण है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्य का दौरे पर हैं और अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं। तेलंगाना में पीएम मोदी पहुंचे तो यहाँ जमकर उन्होंने एक बार फिर से हुंकार भरी और कहा कि हमारा अभियान आदिवासी कल्याण है। उन्होंने बताया कि कैसे सर्वांगीण विकास पर जनता के उनकी सरकार काम कर रही है, आत्मनिर्भर भारत से कैसे विकसित भारत की दिशा में हम कदम बढ़ा चुके हैं, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो देखिए तेलंगाना के दौरे पर रहे, आज की बात करें तो ओडिशा में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और इस तरीके से अलग अलग राज्यों के लगातार दौरे प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तेलंगाना के दौरे के दौरान में खूब जमकर वो बरसे भी विपक्षी पार्टियों पर, ना सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर बरसे बल्कि जनता को एक बार फिर से एहसास दिलाया कि मौजूदा सरकार बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है भारत के, और बेहतर भविष्य की शुरुआत हो चुकी है आत्मनिर्भरता के साथ, क्योंकि विकास आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा हुआ है देश का। और वहीं तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव पर पलटवार भी किया। मैं हूं मोदी का परिवार का नारा दिया, कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार हैं। और इस पूरे मामले को बीजेपी ने पूरा देश मेरा परिवार, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, जरा एक बार सुनिए पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। नौजवान यही मेरा परिवार है, आज देश की करोड़ों बेटियां माताएं बहनें यही मोदी का परिवार है, आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है, आज देश के कोटि कोटि बच्चे बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। बढ़ते खबरों में आगे, और आदिलाबाद से महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर अशोक चव्हाण ने उनका स्वागत किया। दोनों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। अशोक चव्हाण अभी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए लगातार बीजेपी एक्शन मोड में। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव से पहले बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं और बड़ी सौगात जो है जनता को दे रहे हैं। तो आदिलाबाद से महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और ये तस्वीर देखिए, अशोक चव्हाण प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर अशोक चव्हाण ने स्वागत किया है और दोनों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है।
आगे बढ़ते हैं अगली खबर का रुख करते हैं तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच कल्पक्कम परमाणु संयंत्र में की स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के कोर लोडिंग की शुरुआत, और वो तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के दौरे के दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं। स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत कर दी गई है, भारत के लिए एक और नई उपलब्धि। क्लीन एनर्जी दिशा में कदम बढ़ाया है भारत ने, और लगातार क्लीन एनर्जी को पीएम मोदी प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं, सोलर एनर्जी को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं, और इस बीच ये बड़ा कदम उठाया है, स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत की गई है। क्लीन एनर्जी की दिशा में इसको एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तमिलनाडु दौरे के वक्त ये शुरुआत की गई पूजा। और चलिए आगे बढ़ते बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के मिशन साउथ की। प्रधानमंत्री मोदी मिशन साउथ पर हैं। तेलंगाना के बाद चेन्नई में जनसभा को संबोधित किया, बोले तमिलनाडु के प्रति मेरा लगाव बहुत पहले से है, लेकिन जब भी तमिलनाडु आता हूं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। देखिए चेन्नई की जनसभा में गठबंधन पर भी हमला प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बोला गया, और जोरदार हमला बोला। परिवारवादी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की सोचती हैं, जबकि मोदी देश के भविष्य का सोचकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई हमले बोले, देखिए आप देख रहे हैं तमिलनाडु के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु पहुंचे तो यहां पर जमकर उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला, और उनकी ओर से गठबंधन पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि वो सोचते हैं अपने परिवार के बारे में, और मेरा परिवार मेरी पूरी जनता है, देश की जनता मेरा परिवार है, और हम देश के लिए काम करते हैं। तो देखिए मिशन साउथ पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। सबसे खास बात यह है कि मिशन साउथ में जो 130 लोकसभा की सीटें हैं इन पर पूरा फोकस है। ये लगभग जो 130 सीटें हैं ये 400 पार के नारे को साकार करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप लगातार देखिए प्रधानमंत्री मोदी मिशन साउथ पर जब जा रहे हैं तो लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं। खास बात यह है कि जिन 130 सीटों पर इस वक्त बीजेपी की निगाहें हैं, उन 130 सीटों पर अगर कोई बढ़त दिला सकता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि देखिए ये तो उन पर ईश्वर का आशीर्वाद है कि वो जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर पार्टी के लिए बेहतर ही करते नजर आते हैं पलक। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि हर एक सीट पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है। तमिलनाडु से बड़ी खबर आपको बताएंगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत इस दौरान हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोर लोडिंग की शुरुआत करते हुए दिखाई, यहां पर आपको बताएं कोर लोडिंग को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर भी पोस्ट किया है। खपत से अधिक ईंधन का उत्पादन करता ये रिएक्टर विशाल थोरियम भंडार के अंतिम उपयोग का मार्ग भी खुलेगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बाकायदा वहाँ की जो पिक्चर्स हैं वो पोस्ट की गई, और इस तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोर लोडिंग है उसको लेकर एक्स पर पोस्ट, ये प्रधानमंत्री मोदी का। और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर लोडिंग अपने आप में बेहद खास है, खपत से ज़्यादा ईंधन का उत्पादन इसके द्वारा किया जा सकता है, विशाल थोरियम भंडार के अंतिम उपयोग का मार्ग भी अब खुल जाएगा। बढ़ते खबरों में आके प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना में भाषण के बाद बीजेपी ने कैंपेन की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने एक्स पर अपना बायो बदला, और तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज जो हैं अब वो एक्स पर बायो बदले हुए नजर आ रहे। देखिए अमित शाह कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की ये तस्वीर जहां मोदी का परिवार, जेपी नड्डा ने भी लिखा मोदी का परिवार, पीयूष गोयल समेत तमाम बड़े नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बायो बदल दिया, अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिखा है। देखिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने निजी टिप्पणी की थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने भावनात्मक इसे हथियार बनाया है, और मोदी का परिवार तमाम जो दिग्गज है अब अपने बायो में लिखते हुए नजर आ रहे हैं।